हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज मैं गेहूं के आटे से मीठा चीला बनाने वाली हूं। इसमें मैं गुड़ डालूंगी। ये देख लीजिए, मैंने गुड़ को बारीक कटिंग करके रख लिया है। इसे पानी डाल के घोल बना लेती हूं और ऐसे मैं चीला बनाने वाली हूं। गर्मा गर्म बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाता है ये। और एक गुड़ को मैं घोल बना के इसे अच्छे से छान लेती हूँ ताकि जो भी इसमें कचड़े हो निकल जाएंगे। ये देख लीजिए, इसी तरीके से मैंने छान लिया। यहाँ पे लिया है मैंने गेहूं के आटे और ये जो मैंने गुड़ का घोल बनाया है वो डाल देती हूँ और इसे मिला लेती हूँ। इसका भी मुझे अच्छा सा घोल बनाना है। इसमें मैं दूध डालूंगी, एक पाव के करीब मैंने दूध डाला है। इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अगर आप दूध डालना नहीं चाहते हो तो पानी से भी बना सकते हो। अच्छे से इसको मैं फेंट लेती हूँ। पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़े से पानी मैं डालूंगी। थोड़े से पानी मैंने ऐड कर दिया है। ये देख लीजिए, इतना ही पतला हमें घोल बना के रेडी करना है। अब मैं इसे ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं सौंफ डालूंगी। सौंफ से इसका स्वाद बढ़ जाता है। तवा गरम हो चुका है। मैंने चम्मच से घी इस पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐसे चीला देख लीजिए कैसे बना रही हूँ। ऐसे ही बनाना है और अब एक मिनट के लिए इसे रखना है। उसके बाद ऊपर से घी डाल देती हूँ थोड़े से। पलट के देख रही हूँ, हाँ बढ़िया से पलट गया। जब नीचे का अच्छे से हो जाता है तब ये पलटी होता है। अगर आप कच्चा ही पलटोगे तो टूट जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, कितने अच्छे से हमारा चीला रेडी है। इसी तरीके से सारे चीले हमें बनाने हैं। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और गुड़ से बना हुआ है तो कोई भी नुकसान नहीं है। बड़े बुजुर्ग सभी खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं। इसे पलट देती हूँ। ये देख लीजिए, ऐसे उलट पलट के मैं सारे चीले बना लूंगी। आप इसको दही के भी साथ खा सकते हो। बहुत लोग दही के भी साथ खाते हैं और ऐसे भी खा सकते हो। ऊपर से मैंने डाल दिया घी, इसे भी पलट दूंगी। देख लीजिए कितनी आसानी से बन जाता है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसी तरीके से सारे चीले में बना लूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ सब करके। देख लीजिए हमारे सारे चीले तैयार हैं। बच्चे तो ऐसे ही खाने लगते हैं। आप भी दोस्तों बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अभी। दोनों तरफ से देखो कैसे पका हुआ है। ये देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। गुड़ से बना है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी। बाय बाय।